हेलो भाई लोग, की हालचाल। वापस से स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मूवीज गुरु पर। वैसे तो दोस्तों एलटी बालाजी पर आए दिन कई वेब सीरीज रिलीज होती रहती है, परंतु अगर आपसे कोई पूछ ले कि 18 प्लस वेब सीरीज में आपकी सबसे फेवरेट वेब सीरीज कौन सी रही, तो आपके मुंह से जरूर जवाब निकलेगा गंदी बात। इस वेब सीरीज के अभी तक 6 सीजन आ चुके हैं, और अगर आप इसकी कास्टिंग के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखें। इसके पहले हम सीजन 1 और सीजन 2 के वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं सीजन 3 के काउंटडाउन को। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि सीजन 3 में टोटल 4 एपिसोड थे। आपने सीजन 1 में कहानी बेस्ड देखा होगा, लेकिन सीजन 2 में हॉर्स सीन ज्यादा देखने को मिले थे, परंतु सीजन 3 में वापस आप कहानी बेस्ड हॉर्स सीन देख सकते हो। एपिसोड 1 का नाम था राजकुमार, जिसमें आपको काफी हॉट और छोटी एक्ट्रेस देखने को मिली थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पल्लवी मुखर्जी की, जो बिच्छी नाम से फेमस हो चुकी है। इस एपिसोड से पल्लवी मुखर्जी को काफी फैन फॉलोइंग मिली थी, और ये लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही थी, क्योंकि बिच्छी नाम से फेमस हुई पल्लवी मुखर्जी ने काफी हॉट और भर भर के आपको ऐसे सीन दिए जो आप अकेले में देखना पसंद करोगे। इसके एपिसोड 2 का नाम था हरप्रीत वेड्स हरप्रीत, जिसमें आपको लेस्बियन टेक्नोलॉजी देखने को मिली थी। इसके लीड रोल में आपको नजर आई थी सिनी दीक्षित, जो की काफी हॉट एक्ट्रेस है। इसके एपिसोड 3 का नाम था सोनम लेली, जिसके सोनम के किरदार में नजर आई थी आपको आसमा सैयद। इसके एपिसोड 4 का नाम था हनीमून और व्हील, जिसमें आपको साजन और सजनी देखने को मिले थे। सजनी के किरदार में आपको नजर आई थी आकांक्षा शर्मा, जो कि एक पॉपुलर एक्ट्रेस होने के साथ साथ आपको कई वेब सीरीज में नजर आ चुकी है। तो दोस्तों ये थी जानकारी गंदी बात सीजन 3 के एपिसोड के बारे में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में गंदी बात सीजन 4 की कास्टिंग को लेकर। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और ख़ास बात दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।